तरह का अपने फोटो से स्टेटस वीडियो बनाने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो नीचे एक लाल वाला बटन होगा सब्सक्राइब का, उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी को दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है। हम ओपन करके रखे हुए, चलिए यहाँ से प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है। उसका 16 नो रेशियो का प्रोजेक्ट ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आपको अपने फ़ोटो को ऐड करना है, ठीक है, जिस फोटो का आप स्टेटस बनाना चाहते हैं, ठीक है। इस फोटो के ड्यूरेशन को इस तरह से बढ़ा लीजिएगा जितना सेकंड का आपको वीडियो बनाना होगा, ठीक है। बढ़ाने के बाद फिर इसी फोटो पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करना है और इस फोटो को इस तरह से जूम कर लीजिएगा। इस तरह से जूम करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और राइट क्लिक कर देना है। अब आपको लेयर पर क्लिक करके मीडिया नहीं इफेक्ट्स पर क्लिक करके यहाँ से बेसिक इफेक्ट्स पर क्लिक करके और इस फोटो को ब्लर कर लेना है कुछ इस तरह से। इस तरह से इसके ड्यूरेशन को भी बढ़ा दीजिएगा लास्ट तक, ठीक है। बढ़ाने के बाद इसके साइज को भी इस तरह से बढ़ा दीजिएगा और यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करिएगा और इसके लेंथ को भी 5 4 5 कर लीजिएगा, ठीक है। फिर राइट क्लिक कर दीजिएगा। अब आपको एक टेम्पलेट वीडियो का ऐड करना है जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करके उस टेम्पलेट वीडियो को ऐड करते हैं, ठीक है। ऐड करने के बाद यहाँ पर क्लिक करिएगा और इसे फुल स्क्रीन कर लीजिएगा। सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे फुल स्क्रीन कर लीजिएगा, राइट क्लिक कर दीजिएगा। फिर इसी वीडियो टेम्पलेट वीडियो पर क्लिक करके आपको नीचे जाना है और यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शन में इसे स्क्रीन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर राइट क्लिक कर दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ सर लेयर पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करके फिर इसी फ़ोटो को ऐड कर लेना है, ठीक है। फ़ोटो को ऐड करने के बाद कुछ इस तरह से आपको घुमा लेना है, ठीक है। यहाँ फ्रेम में ऐड एडजस्ट करना है, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद यहाँ से अब क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पर जाइएगा और इस तरह से फ़ोटो को कट कर लीजिएगा, ठीक है। कट करने के बाद अब आपको क्या करना है, मास्क को इनेबल कर देना है और फीडर को भी इस तरह से बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। बढ़ाने के बाद फिर से राइट क्लिक कर दीजिएगा। करने के बाद अब आपको क्या करना है, फ़ोटो को फ्रेम दोस्तों अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है। फोटो को फ्रेम में एडजस्ट कर लेने के बाद अब आपको क्या करना है, इसी फ़ोटो पर क्लिक करके इसके ड्यूरेशन को भी वीडियो के लास्ट तक बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। बढ़ाने के बाद फिर से यहाँ पर राइट क्लिक कर दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें जो भी आपको सॉन्ग ऐड करना है, ठीक है, वहाँ पर ऑडियो पर क्लिक कर दीजिएगा और जो सॉन्ग ऐड करना है उस पर क्लिक करके यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा तो वो सॉन्ग आपके वीडियो में ऐड हो जाएगा। चलिए ऐसे हम ऐड नहीं करते हैं क्योंकि टेम्पलेट वीडियो में ऑलरेडी सॉन्ग हम लगाए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस वीडियो को थोड़ा सा प्ले करके देख लीजिए, ठीक है। प्ले करने के बाद अब आपको इस वीडियो को सेव करने के लिए यहाँ पर शेयर वाले बटन पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ से अपने साइज़ को एडजस्ट करके यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दीजिएगा तो ये वीडियो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।